शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे किला के बारे में जिसे कोई कोठी बोलता है तो कोई इसे किला बोलता है। और वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि मैं इस किला के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। ये जो आप किला देख रहे हैं, इसका ये मेन गेट दिखाई दे रहा है और ये सावाद में पड़ता है। और जो मेन रोड यहाँ से निकल के जा रहा है, वहीं पे किला का जो मेन गेट है और इसको जो है सावाद की कोठी या सावाद के किला के नाम से लोग बोलते हैं। और ये जो है नवाबों का किला है, जो बहुत ही देखने में अच्छा है, बहुत ही बड़ा किला है। और यहाँ के लोगों से जब हमने इस किला के बारे में जानकारी ली तो लोगों ने अलग अलग बातें बताईं। अब उसमें क्या सच है क्या झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो हमें जानकारियाँ दी हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसके प्रथम शासक फैजुल्ला खान थे, जिनका जन्म 1733 में औला में हुआ था, जो औला आज तहसील है, जो बरेली जिला में स्थित है। इसके दूसरे शासक मोहम्मद अली खान थे, जिनका शासनकाल मात्र 24 दिन ही चल पाया था। रात के अंधेरे में किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके तीसरे शासक गुलाम मोहम्मद खान बने, जिनका शासन इस किला पर मात्र 3 महीने 22 दिन ही चल पाया। इसके चौथे शासक अहमद अली खान बने, जो मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने इस किला पर 42 वर्ष तक राज किया। दोस्तों, ये किला देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा बना हुआ है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पे बहुत बहुत दूर के लोग इसे देखने के लिए आते जाते रहते हैं और इसके आसपास बहुत ही बड़ा एक तालाब है, जिस तालाब में हमेशा पानी भी भरा रहता है। और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और हरे भरे पेड़ पौधे। और किला की अगर ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही ऊंचा किला है, जिसकी ऊंचाई बहुत है। और पता नहीं इसको किस तरीके से बनाया गया है, जो आज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आज भी यहाँ पे कोई टूटा फूटा हुआ नहीं है। बाकी किला के अंदर के जो मेन गेट हैं, इसमें जो कमरे बने हुए हैं उनमें ताला लगा रहता है, उनमें कोई अंदर नहीं जा सकता है। और बाहर से ही देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी किला का एक नवाब था जिसका नाम था कल्ब अली खान। ये बहुत ही क्रूरता वाला आदमी था, जिसके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं थी। और इसके बारे में ये बताते हैं कि एक ऐसा नवाब था कल्ब अली खान, जो कि अगर कोई भी बारात निकल के जाती थी या कोई भी नई दुल्हन जाती थी तो अपने सिपाहियों से पकड़वा के और वो दुल्हन के लिए रास्ते में छिनवा लेता था। बताते हैं कल्ब अली खान ने हजारों लड़कियों और औरतों के लिए अपनी हवस का शिकार बनाया था। और इतना करने के बाद भी कल्ब अली खान चैन से नहीं बैठा। उसका प्रतिदिन का यही काम, हर रोज वो किसी न किसी नई दुल्हन के लिए अपने सिपाहियों से छिनवा लेता था। जब बताते हैं कल्ब अली खान की जब मौत हुई, जब उसके लिए गाड़ने के लिए कमर खोदी गई,
तो कमर ने उसकी लाश को वार कर दिया। जब दोबारा से फिर उसकी लाश उसी कवर में रखी गई, दोबारा से भी कवर ने उसकी लाश के लिए बाहर कर दिया। आज भी कलवली खान की एक कमर, जो खड़ी कमर बनवाई गई थी, जो रामपुर में स्थित है, उसको ज़मीन में ना लिटा के उसकी खड़ी कमर बनवा दी गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि कलवली खान के लिए यहाँ से बहुत दूर मक्का मदीना में दफना दिया गया था, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज भी जो है कलवली खान की जो एक खड़ी कमर है वो रामपुर में है। मैंने भी देखी है वो कमर, और यहाँ के लोग ये बताते हैं कि यहाँ की ज़मीन ने उसको लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने इतने सारे अपराध किए थे, इसीलिए खुद ज़मीन से आवाज़ आने लगी थी कि इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो इसलिए कलवली खान को सऊदी अरब में जाके दफन किया गया था। लेकिन रामपुर में भी एक कलवली खान की खड़ी कमर आज भी मौजूद है। और दोस्तों, इसी किला के पास में एक ये बाग पड़ता है जो लखिया बाग के नाम से जाना जाता है, जिसमें 100,000 आम के पेड़ हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है ये देखने के लायक। यहाँ पे बहुत बड़ी कोठी है ये, इसको अगर पूरा देखा जाए और इसकी सुंदरता के बारे में अगर कहा जाए तो आज भी बहुत सुंदर है। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कितने अच्छे अच्छे गेट बने हुए हैं, और कितने अच्छे तरीके से इसे पुराने कारीगरों ने सजाया है। अगर आप भी ये कोठी देखना चाहते हैं तो ये सावाद में पड़ती है, जो सावाद रामपुर जिला में लगता है, और बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने के लायक जगह है, बहुत ही अच्छी कोठी है, देखने के लायक है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे पड़ता है रामनगर किला, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। आप अगर कभी भी यहाँ घूमने आएँ तो कृपया रामनगर किला भी घूमने ज़रूर जाएँ। इससे पहले मैंने रामनगर किला का एक वीडियो आप सभी के लिए भेजा था, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।